आप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब आप सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही बाय सेल कर सकते हैं और कोई भी एक्सिस म्यूचुअल फंड की सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। सिर्फ आपको 7506771103 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपनी क्वेरी जो है सेंड कर देनी है। आपको आपकी जो व्हाट्सएप पर ही आपका समाधान हो जाएगा और आपका अगर एक्सिस AMC में अकाउंट ओपन है तो आप व्हाट्सएप के जरिए ही बाय सेल कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को। अभी हाल फिलहाल में ही क्लोज़ हुए निपुण इंडिया मल्टी एसेट फंड जो इशू ओपन हुआ था उसने जो 720 करोड़ रुपए का कलेक्ट किए हैं ड्यूरिंग NFO पीरियड। सिर्फ 10-15 दिन के अंदर ही 720 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड स्कीम में आ गए लोगों की सब्सक्रिप्शन। UTI म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप सब जानते होंगे। SEBI ने अभी थोड़े टाइम पहले ही SBI, LIC और BOB पर चार्जेस भी लगाए थे कि SEBI ने उनको कंपनीज को कहा था जो प्रमोटर्स थे SBI, LIC, BOB कि वो अपनी हिस्सेदारी 10% से कम करें UTI AMC में, बट उन्होंने नहीं की थी तो जिसके करके उन्होंने SEBI ने फाइन लगाया था SBI, LIC और BOB पर। तो अब जो है TRAO Prize एक USA बेस्ड पर कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसकी पहले 26% हिस्सेदारी है UTI AMC में और अब जो है वो SBI, LIC और BOB की जो हिस्सेदारी है उसको एक्वायर करके अपनी हिस्सेदारी 26% से 51% तक करना चाहते हैं UTI AMC में। और आपको बता दें कि अभी तक भी UTI AMC में TRAO Prize जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है USA बेस्ड, उसकी ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। येस बैंक का क्राइसिस हुआ था उसके बाद जो येस बैंक का शेयर भी काफ़ी डूब गया था और उसके बाद जो है SBI ने, रेके झुंझुनवाला जी ने, ऐसे कई बैंक्स ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदी तो थोड़ा सा सपोर्ट मिला येस बैंक को। तो जो सर्विसेज अब कंटिन्यू हो रही हैं येस बैंक की और अब जो है एक न्यूज़ आ रही है कि येस बैंक अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस से, यानी कि येस AMCs हैं जो येस बैंक के म्यूचुअल फंड्स हैं, उस बिजनेस में से एग्जिट होना चाहते हैं और 100% अपनी जो होल्डिंग्स हैं उसको सेल करना चाहते हैं। और जो बात आ रही है कि येस बैंक ने अपनी जो येस AMC में येस म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको जो है JPL फाइनेंशियल एंड सर्विस इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेज को सेल कर दिया है और कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर अंदर JPL फाइनेंशियल सर्विसेज जो है येस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को एक्वायर कर लेंगे और जब बाद में जो भी काम होगा म्यूचुअल फंड येस बैंक म्यूचुअल फंड्स के, वो सारा काम JPL फाइनेंशियल सर्विसेज ही देखा करेंगे। और अब बात करते हैं NFO के बारे में, न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में। 4 सितंबर को एक न्यू फंड का जो ऑफर आने वाला है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा म्यूचुअल फंड, एक फंड ऑफ फंड है, इसके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।